इंडिया में टेलीविजन को फर्स्ट टाइम 1959 में इंट्रोड्यूस किया गया था बट नाइनटीन में जाकर टेलीविजन का पॉपुलरिटी इंक्रीज हुआ स्टार्टिंग में सिर्फ एक चैनल हुआ करता था दूरदर्शन जो कि गवर्नमेंट द्वारा ऑपरेट किया जाता था फिर मिड नाइनटीन में केबल टीवी आया जिसने पूरे टेलीविजन इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर दिया प्रेजेंटली इंडिया चाइना के बाद वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट टीवी मार्केट है और इंडिया में टीवी ब्रॉडकास्टिंग मेनली दो तरह से किया जाता है फर्स्ट है केबल टीवी ब्रॉडकास्टिंग और सेकंड है सेटेलाइट या डीटीएच ब्रॉडकास्टिंग आज के वीडियो में हम इंडिया की टॉप केबल टीवी सर्विस प्रोवाइडर डेन नेटवर्कस लिमिटेड के बारे में बात करेंगे डेन नेटवर्स लिमिटेड की स्थापना दो में हुई थी प्रेजेंटली कंपनी 13 स्टेट्स के 500 प्लस सिटीज में केबल टीवी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं केबल टीवी के अलावा 2011 में कंपनी ने ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करना भी स्टार्ट किया और प्रेजेंटली कंपनी 41 सिटीज में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मिस्टर समीर मनचंदा ने की मिस्टर मनचंदा एक क्वालिफाइड से ही इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री से एसोसिएटेड हैं। प्रेजेंटली मिस्टर मनचंदा कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन हैं। बट यहाँ एक सरप्राइजिंग बात यह है कि कंपनी के फाउंडर एंड प्रमोटर होने के बाद भी कंपनी का सिर्फ 3.69 परसेंट शेयर ही मिस्टर मनचंदा के पास है तो चलिए इस लो प्रमोटर होल्डिंग के पीछे के रीजन को समझते हैं दिसंबर 2018 तक कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग 36.45 परसेंट का था जिसमें से मिस्टर मनचंदा के पास ट्वेंटी होल्डिंग था और बाकी का दूसरे फैमिली मेंबर्स के पास इसके बाद जनवरी 2019 के बिगनिंग में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने तीन सब्सिडरीज के थ्रू डेन नेटवर्क लिमिटेड का 78 परसेंट स्टेक एक्वायर कर लिया इस एक्विजिशन में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 20 परसेंट स्टेक मिस्टर मनचंदा से एक्वायर किया कुछ स्टेक दूसरे प्रमोटर्स डीआईआई और एफ से बाई किया गया और कुछ न्यू शेयर भी इशू किए गए ये एक्विजिशन सेवेंटी पर शेयर के रेट पे किया गया अब क्योंकि पहले से ही ब्रॉडबैंड सर्विसेस प्रोवाइड कर रहा था इस वजह से रिलायंस ने अपने रिलायंस के, 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 के पास थे और थ्री पॉइंट सिक्स नाइन परसेंट शेयर्स मिस्टर मंचंदा के पास और पौने पांच परसेंट शेयर्स मंचंदा फैमिली के दूसरे के पास विच मीन्स की कंपनी में टोटल प्रमोटर होल्डिंग एटी परसेंट का हो गया जो कि सेबी के मैक्स परमिसेबल 75 75 प्रमोटर प्रमोटर होल्डिंग के 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 काफी ऊपर था सेबी के रूल अनुसार के किसी भी कंपनी में 75 से ज्यादा का स्टेक होल्ड नहीं कर सकते हालांकि ये रूल कुछ साल पहले ही इम्प्लीमेंट किया गया है इसलिए आपको अभी भी कुछ कंपनीज मिल जाएंगी जहां प्रमोटर होल्डिंग 75 परसेंट से ऊपर होगा बट उन कंपनीज में भी प्रमोटर्स को अपना स्टेक जल्दी ही रिड्यूस करना होगा सेबी के इस रूल को फॉलो करने के लिए लास्ट क्वार्टर में रिलायंस ने ऑफर फॉर सेल के थ्रू डेन नेटवर्क्स में अपना स्टेक कम किया है ताकि प्रमोटर होल्डिंग 75 परसेंट से कम हो जाए इस ऑफर फॉर सेल के वजह से शेयर में जो सेलिंग प्रेशर आया उसका ओवरहैंग अब तक जारी है यहां समझने वाली बात यह है कि रिलायंस ने यह स्टेक सेल सेबी के रूल के वजह से मजबूरी में किया है डेन नेटवर्क लिमिटेड के अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज टीवी ब्रॉडकास्ट एटीन हैथवे केबल्स और नेटवर्क 18 मीडिया लिमिटेड का भी ओनर है रिलायंस द्वारा डेन नेटवर्क के एक्विजिशन के पीछे एक और रीजन यह था कि रिलायंस का यह प्लान था कि वो डेन नेटवर्क लिमिटेड टीवी ब्रॉडकास्ट एटीन और हैथवे केबल को नेटवर्क एटीन मीडिया में मर्ज कर दे जिससे नेटवर्क 18 मीडिया लिमिटेड इंडिया की एक मेगा मीडिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बन जाए और मीडिया सेक्टर में भी रिलायंस का दबदबा बन जाए जिस वक्त रिलायंस इंडस्ट्रीज ने डेन नेटवर्क्स लिमिटेड में अपना होल्डिंग कम करने के लिए ओएफएस लाया था उसी वक्त रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हैथवे में भी अपना स्टेक कम करने के लिए ओ एफ एस लाया था डेन ओएफएस सक्सेसफुल रहा और कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग सेवेंटी से कम हो गया बट हैथवे केबल्स में रिलायंस का होल्डिंग नाइन्टी से भी ज्यादा था और ऑफर फॉर सेल के बाद भी होल्डिंग कम होकर एट्टी ही हो पाया जो कि सेबी के मैक्स परमिसेबल 75 परसेंट प्रमोटर होल्डिंग थ्रेश होल्ड के काफी ऊपर था और इस वजह से इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी लास्ट मंथ ट्वेंटी अप्रैल को डेन नेटवर्क लिमिटेड की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया और यह कहा गया कि कंपनी अब इस मर्जर को प्रोसीड नहीं करेगी कंपनी का शेयर प्राइस जो कि ओर के वजह से पहले ही अंडर परफॉर्म कर रहा था वो इस मर्जर कैंसलेशन न्यूज के बाद और गिरा और अभी तक रिकवर नहीं कर पाया है एनुअल रिजल्ट की बात करें तो एनुअल रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू लास्ट ईयर के कंपैरिजन में मार्जिनली इंक्रीज हुआ बट टोटल कॉस्ट अप्रोक्स डाउन ट्वेंटी वन परसेंट से इंक्रीज हुआ यहां आप देख सकते हैं कि कंपनी ने लास्ट ईयर थर्टी करोड़ का इंटरेस्ट पे किया था जो कि इस साल कम होकर थ्री करोड़ का हो गया है विच मीन्स की कंपनी ने अपने डेट को काफी एग्रेसिवली रिड्यूस किया है इसके अलावा कंपनी ने पिछले साल के कंपैरिजन में 15 करोड़ ज्यादा अदर इनकम कमाया और इन वजहों से कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेवल पे 70 परसेंट का ग्रोथ रिकॉर्ड किया इसके बाद प्रोविजनिंग की वजह से कंपनी को टैक्स रिबेट मिला जिसके वजह से कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लास्ट ईयर के कंपेरिजन में लगभग तीन गुना हो गया अगर प्रोविजनिंग को इंक्लूड ना भी करें तो भी कंपनी का परफॉर्मेंस प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेवल पे काफी इंप्रूव हुआ है अगर आप लॉन्गर टर्म में देखें तो कंपनी पिछले कई सालों से लॉस मेकिंग कंपनी थी और 2020 से कंपनी के परफॉर्मेंस में टर्न अराउंड आया है इस अच्छे परफॉर्मेंस से हमें यह समझ आ रहा है कि जब से कंपनी का ओनरशिप रिलायंस ग्रुप के पास गया है तब से कंपनी का परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है कंपनी का मार्केट कैप इक्कीस करोड़ का है जबकि इसके अगेंस्ट कंपनी ने इक्कीस करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके रखा है यानी कि जितना कंपनी का मार्केट कैप है उससे ज्यादा तो कंपनी इन्वेस्टमेंट करके रखी है और इस इन्वेस्टमेंट का ज्यादातर हिस्सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया गया है कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है और ये अभी साढ़े दस के पी पे अवेलेबल है और इसका प्राइस टू बुक वैल्यू पॉइंट सेवन सिक्स का है विच मीन्स की कंपनी प्राइस टू अर्निंग और बुक वैल्यू दोनों ही बेसिस पे अंडर है हालांकि कंपनी का आर और आर बिलो एवरेज है बट अगर आप दूसरी केबल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का आर और आरओसी चेक करेंगे तो वहां भी आपको ऐसा सिमिलर नंबर दिखाई देगा ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल अच्छा है अब रेवेन्यू मिक्स की बात करें तो कंपनी का अप्रोक्स 94 परसेंट रेवेन्यू केबल बिजनेस से जनरेट होता है और बाकी का 6 परसेंट ब्रॉडबैंड बिजनेस से ब्रॉडबैंड बिजनेस अभी ग्रोइंग स्टेज में है जिस वजह से कंपनी को इस पर अभी काफी एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है और ब्रॉडबैंड सेगमेंट पे कंपनी जितना एक्सपेंडिचर कर रही है उससे कम का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और इस वजह से ब्रॉडबैंड बिजनेस से कंपनी को अभी लॉस हो रहा है हालांकि क्योंकि अब जियो फाइबर भी कंपनी के साथ जुड़ गया है इसलिए पॉसिबल है कि आने वाले कुछ सालों में यह सेगमेंट भी प्रॉफिटेबल बन जाए अब चार्ट्स की बात करें तो लास्ट ईयर मे में स्टॉक ने 44 के लेवल्स पे ही सपोर्ट लिया था और उसके बाद स्टॉक ने 115 का हाई बनाया मर्जर का न्यूज एक साल से भी पहले आया था और उस वक्त स्वैप रेशियो भी डिक्लेयर कर दिया गया था बट मर्जर में डिले की वजह से स्टॉक स्टॉकली स्लाइड होता रहा इसके बाद ऑफर फॉर सेल के वजह से मार्च में स्टॉक करेक्ट हुआ और फिर मर्जर कैंसिल होने की वजह से स्टॉक और फॉल हुआ हालांकि अब स्टॉक करंट लेवल्स पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है इस वक्त जब निफ्टी और सेंसेक्स काफी हाई लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं तब ये स्टॉक अपने 52 वीक लो के आसपास अवेलेबल है स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो दोनों ही बेसिस पे अंडर वैल्यूड है कंपनी का पेरेंटेज काफी स्ट्रांग है और कंपनी का जितना मार्केट कैप है उससे ज्यादा कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट है हालांकि कंपनी के साथ एक ड्रॉबैक ये है कि कंपनी के कस्टमर्स लास्ट कुछ सालों से केबल टीवी से स्विच करके डीटीएच की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं बहुत सारे इन्वेस्टर्स को यह गलत फहमी था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज डेन नेटवर्क लिमिटेड से टोटली एग्जिट करने वाला है इसलिए मैंने इस वीडियो के थ्रू ये समझाने का कोशिश किया कि रिलायंस ने जो स्टेक सेल किया है वो सेबी के रूल को फॉलो करने के लिए मजबूरी में किया है मैंने वीडियो में कंपनी से रिलेटेड सारे नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स को कवर करने का पूरा कोशिश किया है हालांकि अगर मुझसे फिर भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा मैंने ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया है इसलिए मैं इसमें आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ हालांकि वीडियो में मैंने जितने भी डिटेल शेयर किए हैं उसके बेसिस पे आप खुद ही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का या ना करने का डिसीजन ले सकते हैं चलिए फ्रेंड्स तो आज के वीडियो में बस इतना ही आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ टिल देन टेक केयर बाय बाय